हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा। इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले, चिकित्सालय में पहुंचाने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। यह चिकित्सा दुर्घटना स्थल या उसके पास के स्थान पर की जाती है। देखिए, प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या हैं। पहला तो है जीवन की रक्षा करना। अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो उसकी प्राण की रक्षा करना डॉक्टर के आने से पूर्व, ये प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि रोगी के प्राण की रक्षा करना। यदि समय पर प्राथमिक चिकित्सा मिल जाती है तो रोग की प्राण रक्षा संभव है। तुरंत चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना होने के तुरंत बाद की जाती है ताकि स्थिति और गंभीर ना हो। प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांत, तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा सिर्फ घटना के समय की गई देखभाल होती है। प्राथमिक उपचार करने वाला कोई भी हो सकता है। आप, हम, छात्र छात्राएं हो सकती हैं, शिक्षक हो सकते हैं, स्काउट हो सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चिकित्सक तक पहुंचाने के बाद प्राथमिक उपचार करने का उत्तरदायित्व समाप्त हो जाता है। एक अच्छे प्राथमिक उपचार करने वाले को कुछ सिद्धांत अपनाने चाहिए। पहला है, भीड़ को हटाना है, रोगी की स्थिति की जांच करनी है, श्वसन क्रिया चालू करनी है, कपड़े ढीले करना, नाड़ी और श्वसन क्रिया देखना, रक्त स्त्राव को बंद करना, शांत रहना, स्पष्ट सोचना, रोगी को तुरंत चिकित्सक तक पहुंचाना, तत्काल निर्णय लेना। प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य हैं, स्थायी चिकित्सक के कर्तव्य हैं। प्राथमिकी का प्रमुख कर्तव्य है कि दुर्घटना की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को भेजकर डॉक्टर बुलाने का प्रबंध करे, ताकि डॉक्टर अपनी पूर्व तैयारी के साथ घर की स्थायी चिकित्सा हेतु आ सके। सुरक्षित स्थान पर लिटाना, घायल व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर लिटाकर धूप आदि से बचाकर रखें। अनावश्यक भीड़ है उसको हटा दे। क्रमित श्वास दिलवाना, यदि घायल को श्वास नहीं आ रही है तो तुरंत क्रमित श्वास दिलवाएं। वमन कराना, यदि यह आशंका है कि रोगी ने विष पी लिया है तो तुरंत उसे वमन कराएं। हड्डी टूटना, यदि घायल के किसी अंग के टूटने की आशंका हो तो उस अंग को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। पानी में डूबे व्यक्ति की चिकित्सा, पानी में डूबने से व्यक्ति के पेट में पानी भर जाता है और उसके मुंह से कीचड़ आदि निकाल कर उल्टा करके उसके पेट का पानी निकालने का प्रयास करना चाहिए। मौसम की तीव्रता से बचाना, घायल व्यक्ति को मौसम से भी रक्षा करनी चाहिए। गर्मी में धूप से बचाने के लिए छायादार हवादार स्थान पर लिटाना चाहिए। सर्दी से बचाने के लिए उसे कंबल रजाई आदि से उसके शरीर को गर्म रखना चाहिए। होश आने पर मौसम के अनुसार ठंडा और गर्म पेय पिलाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक के गुण हैं, देखिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को चोट लगी और जो उसका उपचार कर रहा है, प्राथमिक चिकित्सा कर रहा है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो प्राय चिकित्सक को स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, उसके कार्य को कोई बाधित ना करे, कोई भी उसके कार्य में रुकावट ना डाले। उसके कार्य को बाधित कोई बाधित करे तो उस स्थान पर ध्यान न देखें, अपना कार्य पूरे विश्वास से, पूरे आत्मविश्वास से करते रहना चाहिए। त्वरित निर्णय क्षमता, प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की स्थिति को भली प्रकार जांच कर शीघ्रता से निर्णय करने वाला होना चाहिए। शारीरिक संरचना का ज्ञान, उसे मानव की शारीरिक संरचना का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह आसानी समझ सके कि चोट कहाँ लगी है, रक्त स्त्राव कहाँ से हो रहा है, इसे कैसे रोका जा सकता है, हड्डी टूटी है नहीं, क्रमित श्वास देने की आवश्यकता है कि नहीं। उपलब्ध साधनों का उपयोग, प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना स्थल पर मौजूद साधनों का उपयोग करके रोगी की दशा और अधिक बिगड़ने से रोक सकते हैं। इस प्रकार की उसमें बुद्धि होनी चाहिए कि जो स्थिति वो अधिक ना बिगड़े। धैर्यशील, चूँकि दुर्घटना होने पर सभी व्यक्ति घबरा जाते हैं, रोगी चाहे गंभीर हो या उपचारक हो, स्वयं धैर्य रखते हुए धैर्य दिलाने की शक्ति होनी चाहिए ताकि रोगी को घबराहट कम हो और उसमें हिम्मत आए। दयावान, दूसरों के प्रति दया भावना रखने वाला ही सच्ची सहायता कर सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के प्रति दया भाव दिखाकर सहानुभूति प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। मृदुर व्यवहार, प्रायः चिकित्सक को मृदुभाषी हंसमुख होना चाहिए ताकि अपने व्यवहार में से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के मन में अपने प्रति विश्वास पैदा कर सके। स्वस्थ शरीर, चिकित्सक को स्वस्थ, स्वयं स्वस्थ एवं बलशाली होना चाहिए ताकि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को उठा सके और उसे सहायता देने का कार्य कुशलतापूर्वक सफलतापूर्वक कर सके। कर्तव्य परायण,
सेवा कार्य को अपना धर्म समझना चाहिए। जो भी सेवा कार्य कर रहे हैं उसको धर्म समझना चाहिए। उसे जाति धर्म वर्ग भेद आदि से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कुछ समान दुर्घटनाएं हैं, उपचार है उसका, जैसे जलना। तो जलन तीन प्रकार की होती है, एक साधारण जलन, विशेष जलन, विषम जलन। साधारण जलन, इसमें त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते। ऐसी जलन में जले हुए अंग को तुरंत पानी में डालना चाहिए, कच्चा आलू पीस कर लगाना चाहिए। जले हुए अंग पर नारियल या तिल के तेल में चूने का पानी मिलाकर लगाने से लाभ होता है। विशेष जलन, इस प्रकार की जलन में त्वचा लाल हो जाती है और छाले भी पड़ जाते हैं। फफोले को फोड़ना नहीं चाहिए, घाव पर बर्नौल लगाना चाहिए, फफोले पर चिकना पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। विषम जलन, इस प्रकार की जलन में अंग विशेष के तंतु जल जाते हैं, इससे अधिक पीड़ा और जलन होती है। तुरंत डॉक्टरी व्यवस्था करनी चाहिए, ठंडे पानी से धोना चाहिए, बर्नौल लगाना चाहिए। लू लगना, गर्मी के दिनों में धूप में अधिक घूमने फिरने से लू लगने की संभावना रहती है। गर्म पानी में अधिक देर तक रहने और खुले सिर काम करने से गर्मी के दिनों में लू लग जाती है। मामूली लू लगने पर सिर में तेज दर्द होता है, चक्कर आने लगते हैं, वमन होने लगता है, प्यास अधिक लगती है, श्वास तेज चलती है, नाड़ी की गति भी तेज हो जाती है। अधिक लू लगने में मनुष्य अचेत हो जाता है, तेज बुखार, गर्म व सूखी त्वचा, गर्म और सूखी हो जाती है। तापमान सिर के बढ़ के 105 डिग्री तक हो जाता है। अगर तापमान कम करने का प्रबंध ना किया जाए तो रोगी की क्या हो जाएगी? मृत्यु। रोगी को ठंडे स्थान पर लिटाए, उसके वस्त्र उतार दे, रोगी के सर पर बर्फ की थाली रखे, रोगी को गीली चादर में लपेट कर पंखा करे, तापमान कम हो जाने पर सूखी चादर में लपेट दे, रोगी को ठंडे पानी में थोड़ा नमक मिलाकर पीने को दे। लू से बचने के लिए कच्चे आम का नमकीन पानी पीना चाहिए। विद्युत आघात, तो कई बार असावधानीवश बिजली के नंगे तारों से या किसी विद्युत उपकरण में खराबी आने के से विद्युत आघात हो जाता है। यदि मनुष्य को सीधी तार से छुड़ाया ना जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। करंट लगने से अंग प्रायः जल जाते हैं। हाथों बाजुओं से बिजली प्रवाह छू जाने से विद्युत धारा वक्ष से निकल जाती है, फलस्वरूप हृदय शक्तिहीन हो जाता है। विद्युत प्रवाह को बटन दबाकर बंद कर दे, प्लग लगा हो तो उसे निकाल दे। घायल व्यक्ति को विद्युत प्रवाह के संपर्क से हटाए। कभी भी प्रभावित व्यक्ति को नंगे हाथ से ना पकड़े। किसी सूखी लकड़ी, सूखे कपड़े, सूखी रस्सी, रबर के दस्ताने आदि को हाथ में लपेट कर हटाना चाहिए। पैरों में रबर के तले वाले जूते, लकड़ी का ढेर, समाचार पत्रों के ढेर पर खड़े होकर छुड़ाए। घायल श्वास ना ले रहा हो तो क्रमित श्वास दे। आघात व्यक्ति के तलवों में मालिश करे ताकि जो रक्त संचार है वो ठीक तरीके से हो। रोगी होश में आ जाए तो उसे गर्म चाय देनी चाहिए। आँख नाक में भारी वस्तुएं, कान में भारी चीज़ जैसे प्राय खेलते समय बच्चों के कान में बीज, मोती, अनाज के दाने आदि घुस जाते हैं। कभी मच्छर वह अन्य कीड़े प्रवेश कर जाते हैं। कान में कीड़ा प्रवेश करने पर कान के पर्दे पर भनभनाहट, दर्द, सिर में दर्द होने लगता है। कान में दाने, बीज, मोती प्रवेश करने पर कान में दर्द, सूजन हो जाती है। कान का भारी भाग लाल हो जाता है। यदि कान में कीड़ा प्रवेश कर जाए तो कान में ग्लिसरीन, सरसों, जैतून के तेल की बूंदें डालें। ऊपर से कान में 2 से 3 और हल्का पानी डालें। कभी कभी टॉर्च की रोशनी कान में दिखाने से भी कीड़ा बाहर निकल आता है। यदि अन्य वस्तु प्रवेश कर जाए तो सरसों का तेल डालें। उपयुक्त विधि से अगर वस्तु बाहर ना निकल रही हो तो डॉक्टर से परामर्श लें। आँख में बाहरी वस्तु का प्रवेश, आँखों में रेत के कण, कोयला, मिट्टी, लोहे के कण, कीड़े या कभी कभी पलक का बाल भी टूट कर गिर जाता है। आँख शरीर का मुख्य और बहुत ही कोमल अंग है। शीघ्र ही उपचार करना चाहिए। आँखों में बेचैनी, पीड़ा होने लगती है, आँखें लाल हो जाती हैं, पानी निकलने लगता है, आँखों में जलन होने लगती है, कभी कभी आँखें सूज जाती हैं। सर्वप्रथम आँखों को मलना नहीं चाहिए। मलने से आँखों की कोमल त्वचा में रगड़ पड़ जाती है। आँखों के नीचे की पलक को खींच कर देखें। अगर कोई सूक्ष्म कर दिखाई दे तो स्वच्छ रुमाल के एक कोने को ऐड कर साफ रुई की बत्ती बनाकर पानी में गीली करके उसकी नोक से कर को क्या करें, बाहर निकालें। अगर ऊपर की पलक में चिपक गई हो तो पानी में भीतर आँख को खोलना बंद करना चाहिए। आँख में चूना, तेजाब पड़ने पर स्वच्छ जल के छींटों से आँख को धोना चाहिए। शीघ्र डॉक्टर को दिखाएं। आँख में एक बूंद अरंडी, जैतून का तेल डालने से भी किरकिरी
आंसुओं के साथ निकल जाती है। नाक में बाहरी चीज़ें, प्रायः बच्चों की नाक में चना, मटर, मोती या अन्य चीज़ें खेलने ते समय प्रवेश कर जाती है। नाक में गीलापन रहने के कारण अनाज का दाना फूल जाता है, बुरी तरह क्या होता है, फंस जाता है। श्वास लेने में कष्ट होता है, नाक में सूजन हो जाती है, नाक में दर्द होता है, सूजन हो जाती, नाक लाल हो जाती है। तंबाकू पीस कर सूंघने से तुरंत छींक आती है और वस्तु बाहर निकल जाती है। नाक का दूसरा छिद्र बंद करके प्रभावित छिद्र से श्वास झटके से छोड़ने पर वस्तु निकल जाती है। नाक में चिमटी या पानी ना डालें, ऐसा करने से वस्तु ऊपर चढ़ जाएगी। फिर भी वस्तु ना निकले तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो भी चिकित्सा सहायता दी जाती है उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक चिकित्सा। तुरंत चिकित्सा व्यवस्था पर जीवन रक्षा करना ही प्राथमिक क्या है? चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सक को आत्मविश्वासी, निर्णय क्षमता, धैर्यशील, दयावान, कर्तव्यपरायण होना चाहिए। जलन कितने प्रकार की होती है? तो तीन, साधारण, विशेष और विषम। लू लगने पर व्यक्ति को अतिशीघ्र ठंडे स्थान पर लेटाना चाहिए। कभी भी विद्युत प्रवाह को नंगे हाथ से नहीं छूना चाहिए। बिजली संबंधित कार्य करते वक्त रबर की चप्पल, हाथों में रबर के दस्ताने पहनने चाहिए। नाक कान में कोई वस्तु गिर जाने पर कभी भी चिमटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, एक प्राथमिक चिकित्सक का सर्वोत्तम गुण है दूरदर्शिता, कार्यकुशलता, फुर्तीलापन या उपयुक्त सभी। तो एक प्राथमिक चिकित्सक के अंतर्गत दूरदर्शिता भी होनी चाहिए, कार्यकुशलता भी, फुर्तीलापन, ये सभी गुण होने चाहिए। अस्मा की घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है दीर्घकालीन, निर्देश तत्काल, अल्पकालीन। अचानक से कोई घटना हो जाती है उसमें प्राथमिक चिकित्सा की कब दी जाती है? तो तत्काल दी जाएगी। अचानक से कोई घटना हुई तो तत्काल प्राथमिक चिकित्सा दी जाएगी। प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य है घायल व्यक्ति का जीवन बचाना, घायल व्यक्ति को सांत्वना देना, घायल को गंभीर होने से बचाना, उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य ये सभी है कि घायल व्यक्ति का जीवन बचाना है, उसे सांत्वना भी देना है और घायल को गंभीर होने से बचाना है। किस प्रकार की जलन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं? साधारण जलन में, विशेष जलन में, विषम जलन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, साधारण जलन में त्वचा लाल हो जाती है परंतु फफोले नहीं पड़ते हैं।